हाय फ्रेंड्स, आज मैं अलसी की पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि पौष्टिक तत्व से भरा हुआ है और सर्दी की खास रेसिपी है। यकीन मानिए, ये रेसिपी बच्चों को और बड़ों को दोनों को पसंद आएगी। जितना पौष्टिक तत्व से भरा हुआ है उतना ही टेस्टी भी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं तीसी की पराठा। तो हम लोग एक कटोरा तीसी ले लेते हैं, फ्लैक्सीड ले लेते हैं, और आधा कटोरा जो है हम लोग गुड़ ले लेते हैं, और एक बड़ी कटोरे से हम लोग आटा ले लेते हैं, गेहूं की आटा, जिसे हम लोग डो बना लेंगे। तो चलिए हम लोग तीसी को जो है भून लेते हैं धीमी आंच में। अभी जिस में आंच को मीडियम भी कर ले और चलाते हुए इसे भूनते रहें। ये 5 से 6 मिनट के अंदर जो है ये भून जाएंगे। जब इसमें से आवाज आने लगे, चटकने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा तीसी जो है भुन चुकी है और इसे खुशबू भी आने लगेगी। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे धीमे और मीडियम आंच में इसे लगातार चलाते हुए भून लेना। जब ये तीसी हमारी ठंडी हो जाए तो हम इसे मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेंगे। चलिए, हमारा हमने तीसी को इस तरह से मिक्सी में पीस लिया। अब इसे हम गुड़ में मिला लेते हैं। तो चलिए, गुड़ में कैसे मिलाना है वो मैं बताऊंगी। कढ़ाई को धीमे आंच में चढ़ा लेंगे और 2 चम्मच पानी डाल के इसे धीरे धीरे इसका मेल्ट होने देंगे ताकि हमारा जो एक गुड़ की सिरप तैयार हो जाए। इसे चाशनी नहीं बनाना है, तार नहीं बनाना है, ओनली मेल्ट करना है गुड़ को ताकि हमारे जो है तीसी अच्छे से इसमें मिल जाए गुड़ में, ताकि हमारे पराठे जो है अच्छे से स्मूथ पराठा बन जाए, बेलने में आसानी भी हो। आप चाहें तो अगर आपके पास भूरा गुड़ हो तो वो भी डाल सकते हैं तीसी में और वो आसानी से हमारी तीसी की पराठा बन जाएगी। अगर भूरा गुड़ नहीं है तो आप इस तरह से गुड़ को मेल्ट कर लें और मेल्ट करने के बाद तीसी को मिला लें, और जब ये ठंडा हो जाए, पूरी तरह से ठंडा हो जाए इतना कि आप पराठा बना पाए। तो चलिए, मैंने आटा सान लिया था, बिना नमक का आटा साने, नमक नहीं डाली क्योंकि हम लोग मीठे पराठा बनाने वाले हैं, और इसको बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए हम लोग मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। तो चलिए, आपको जितनी मोटी पराठे खाने हैं उस हिसाब से अपनी लोई ले लें। देखिए, इस तरह से हाथ में गोल करते हुए आप इसमें तीसी भर लीजिएगा दबा दबा के। चलिए, दबा दबा के भर लीजिएगा और इसके मुंह को बंद कर दीजिएगा। उसके बाद उसे हल्के हाथों से जो है प्रेस कर दीजिएगा ताकि तीसी जो है चारों तरफ अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से मिलाते हुए, उसे हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए चारों तरफ हमारा तीसी मिल जाए रोटी में, पराठे में, और इसे हल्के हाथों से बेलना है। ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है। जब हमारी तीसी ऊपर नज़र आए कि हाँ तीसी ऊपर नज़र आ रही है, तो हम समझ लीजिए कि पराठे में जो है हमारे अच्छे से मिल चुके हैं। बस इस तरह से देखिए, मैंने बेल लिया। अब इसे हम लोग धीमी आंच में, धीमी, देखिए मैंने पराठे बेल लिए। अब इसे हम लोग तावा में डाल देते हैं गैस पे, और इसे मीडियम टू लो आंच में हम लोग इसे उलट पलट के सेक लेंगे। देखिए, मेरे पराठे जो हैं पक रहे हैं। इस तरह से हम लोग मैं पराठों को बेल लेंगे और तावे में सेक लेंगे पलटते हुए। अगर स्टफिंग हमारी अच्छे से तैयार होगी तो हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर स्टफिंग में गुड़ अच्छे से नहीं मेल्ट होंगे तो वो बेलने में गुड़ जो है तीसी के साथ बाहर आ जाएगी, वो हमारे हम उस पराठे को सेकने में हमें दिक्कत होगी। इस बातों का ध्यान रखें कि हमारे जो स्टफिंग जो है तीसी की वो अच्छी बने, ताकि हमारे पराठे जो है अच्छे से हम लोग बेल पाए, बाहर नहीं निकल पाए, ताकि हमारे सेकने में हमें आसानी हो और हमारे पराठे अच्छे से हम लोग उसे सेके ताकि खाने में काफ़ी टेस्टी लगे। आप अपने हिसाब से गुड़ की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आपको जितना मीठा चाहिए। बट मैंने ये जो क्वांटिटी बताई है वो एक
परफेक्ट मिठास की बताई है। जितना तीसी लें उसके आधे गोल लें। देखिए इस तरह से दबाते हुए हम लोगों को सेक लेना है। ये तीसी की रोटी ठंडे के मौसम में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और इससे बच्चे भी आराम से आसानी से खा लेते हैं और तीसी हमारे लिए तो ऐसे ही फायदेमंद होती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। देखिए हमने सारे पराठे को इस तरह से बना लिए और आप इसे डिनर में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आपकी जब मर्जी हो तो आप खा सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो, ये रेसिपी मेरी अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।